आप देख रहे हैं दखल न्यूज। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-43 से धरती का अध्ययन करने वाले भारतीय हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट के अलावा 8 देशों के 30 अन्य सैटेलाइटों को प्रक्षेपित कर दिया है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट भू अवलोकन उपग्रह है जिसका विकास इसरो ने किया है। यह PSLV C-43 अभियान का प्राथमिक उपग्रह है। भारतीय उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गया है। इसरो ने कहा कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रक्षेपण के लिए रॉकेट गुरुवार सुबह 9:58 पर रवाना हुआ। इसरो द्वारा विकसित भू प्रक्षेपण उपग्रह हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट PSLV C-43 मिशन का प्रमुख उपग्रह है। इसरो ने बताया कि अंतरिक्ष यान का वजन करीब 380 किलोग्राम है और इसे 97.957 अंश झुकाव के साथ 636 किलोमीटर पोलर सन सिंक्रोन्स कक्षा में स्थापित किया गया। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट की मिशन अवधि 5 साल की है और इसका प्रमुख उद्देश्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड और शॉर्टवेव रेड क्षेत्रों के नज़दीक पृथ्वी की सतह पर अध्ययन करना है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट के साथ जिन उपग्रहों को रवाना किया गया है उनमें 8 देशों के 29 नैनो और 1 माइक्रो उपग्रह शामिल हैं। इनमें 23 उपग्रह अमेरिका के हैं और 1-1 उपग्रह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कंबोलिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड और स्पेन के हैं। इन सभी उपग्रहों को इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से वाणिज्यिक संविदा के तहत प्रक्षेपित किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।